हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पुस्तक पर एक बार फिर स्वागत है। राजा विक्रम बेताल को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं और बेताल फिर से उसे शमशान के पेड़ पर जाकर लटक जाता है। राजा विक्रम उसे फिर से पकड़ के लाते हैं और बेताल राजा विक्रम को फिर से एक नई कहानी सुनाता है ताकि वो अपनी शर्त के मुताबिक उसे बोलने पर मजबूर कर सके। इस बार बेताल विक्रम को चंद्रपुर के राजकुमार आनंद सेन की कहानी सुनाता है। चंद्रपुर के युवराज आनंद सेन को शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन वो अपने सैनिकों के साथ शिकार करने जाते हैं, तभी वहां एक बहुत ही बड़ा तूफान आ जाता है और वो उसकी चपेट में आने से अपना रास्ता भटक जाते हैं। तूफान के कारण वो अपने घोड़े से गिर जाते हैं, जिससे पत्थर से सर टकराने की वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। तूफान में रास्ता भटकने के कारण आनंद सेन अपने राज्य से बाहर निकल गया था और अवंतीपुर की सीमा में आ गया था। अवंतीपुर के सैनिक उसे होश में लाकर राजा के पास ले जाते हैं। अवंतीपुर के राजा धर्मवीर जब उसके बारे में सुनते हैं तो उसे बताते हैं कि उसके पिता और वो परम मित्र हैं और वो राजकुमार के सही सलामत होने की खबर उनके पिता तक पहुंचा देंगे। राजा धर्मवीर आनंद सेन को कुछ दिन के लिए अपना अतिथि बना लेते हैं। आनंद सेन सेवा का आनंद उठाता है, भोजन करता है और सो जाता है। एक दिन उसे मंदिर से गाने की आवाज आती है तो वो मंदिर में जाता है। वहां उसे राजा धर्मवीर की बेटी रूपवती मिलती है, जिसे देखकर वो उस पर मोहित हो जाता है। राजा दोनों का एक दूसरे से परिचय कराता है। आनंद सेन रूपपति के ख्यालों में खो जाता है। एक दिन रूपपति वीणा बजा रही होती है, तभी राजकुमार का मन भी वीणा बजाने का करता है तो वो सेवक को बुलाकर राजकुमारी से वीणा मंगवा लेता है। सेवक राजकुमारी रूपपति से वीणा मांगकर लाता है और युवराज आनंद सेन को दे देता है। आनंद सेन वीणा को बजाता है तो उसके मधुर संगीत को सुनकर राजकुमारी उसके पास आ जाती है। आनंद सेन अपने प्रेम को रूपवती के सामने प्रकट कर देता है। राजकुमार आनंद सेन राजा धर्मवीर से उनकी बेटी का हाथ मांग लेता है। राजा आनंद सेन को कहता है कि वो उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले ही सुंदर नगर के राजकुमार के साथ राजकुमारी का रिश्ता तय कर दिया है और वो ये वचन नहीं तोड़ सकते। राजा अफसोस के साथ आनंद सेन का प्रस्ताव अस्वीकार कर देता है। राजकुमार आनंद सेन राजकुमारी रूपवती को सब बताता है, परंतु राजकुमार और राजकुमारी अब एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहते थे। आनंद सेन राजकुमारी को अपने साथ भगा ले जाने की बात करता है तो रूपवती उसकी बात मान लेती है। राजकुमार उसे वहां से भागने का समय और जगह बता देता है और उससे घोड़े के व्यापारी हरि बाबा का पता लेकर घोड़ा खरीदने चला जाता है। घोड़े का व्यापारी हरि बाबा आनंद सेन को दो घोड़े दिखाता है, एक बूढ़ा था और एक जवान। हरि बाबा आनंद सेन को जवान घोड़े की कीमत 50 मोहरे बताते हैं और बूढ़े घोड़े की 100 मोहरे बताते हैं। राजकुमार बहुत हैरान हो जाता है और इसका कारण पूछता है तो हरि बाबा उसे बताते हैं कि बूढ़ा घोड़ा एक बार दौड़ेगा तो केवल अपने स्थान पर जाकर ही रुकेगा और ये जवान घोड़ा जहां भी पानी दिखेगा वहीं रुक जाएगा क्योंकि ये पानी से डरता है। आनंद सेन उसके पानी से डरने का कारण पूछता है तो हरि बाबा बताते हैं कि एक बार इस घोड़े की परनानी पानी से डर गई और यही गुण उसकी नानी में भी आ गया और यह पानी का डर इसकी माँ में भी आ गया और अब यह भी पानी से डरने लगा है। आनंद सेन वहीं खड़ा होकर कुछ सोचता है और हरि बाबा को 100 मोहरे देकर बूढ़ा घोड़ा खरीद लेता है। आनंद सेन घोड़े पर बैठकर बिना राजकुमारी रूपपति को लिए सीधा अपने राज्य में चला जाता है और राजकुमारी रूपवती वहीं इंतजार करती हुई रह जाती है। अब बेताल विक्रम से पूछता है,
राजन बताओ, आनंद सेन रूपवती को क्यों साथ नहीं ले गया? राजा विक्रम बेताल को बताते हैं कि राजकुमार आनंद सेन ने घोड़े की परनानी, नानी और माँ के गुणों के बारे में सुना और उसे समझ आ गया कि राजकुमारी रूपवती अपने पिता की इज्जत और प्रेम को भूलकर उसके साथ भागने को तैयार हो गई है। कल को शायद उसकी बेटी भी ऐसा ही करेगी तो उस पर क्या बीतेगी, क्योंकि माँ का गुण बेटी में आएगा ही। इसलिए वो राजा धर्मवीर की इज्जत बचाने के लिए अकेले ही अपने राज्य के लिए चला जाता है। इस पर बेताल कहता है, राजन तुमने उचित उत्तर दिया, लेकिन तुम भूल गए, मैंने तुम्हें कहा था कि जैसे ही तुम बोलोगे मैं चला जाऊंगा। और इतना कहकर बेताल फिर से शमशान के उस पेड़ पर लटकने के लिए चला जाता है और राजा विक्रम उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। बेताल 25 की अगली कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको ये कहानियां पसंद आ रही हैं तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।